हम लोग करेंगे होस्टिंगर का डिटेल रिव्यू 2023 के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं वेब होस्टिंग ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं होस्टिंगर का डिटेल रिव्यू। होस्टिंगर एक ऐसी वेब होस्टिंग कंपनी है जिसको मैं 2019 से लेके यूज़ कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट्स के लिए, टेस्टिंग के लिए। सबसे पहले मैंने इसका रिव्यू किया था 2019 में, देन 2020, देन 2021। अब हम लोग इसका रिव्यू करने वाले हैं 2023 के लिए। सो ऑलमोस्ट मैं इसे पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, एंड सिर्फ मैंने होस्टिंगर ही नहीं, बहुत सारी और भी वेब होस्टिंग कंपनीज़ का यूज़ किया है, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स का यूज़ किया है। उसके बाद ये जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज का ये वीडियो होने वाला है। मेरे पास आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी है एंड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं होस्टिंगर कंपनी से। ये लिथुनिया बेस्ड एक कंपनी है। ये एस्टैब्लिश्ड हुई थी 2004 में, देन धीरे धीरे अराउंड 2011 में इसको रीब्रांड किया गया होस्टिंगर के नाम से, बट एक्चुअल में जो इसको पॉपुलैरिटी मिली थी वो थी 2019 में। तो 2019 से लेकिन इनकी काफ़ी ग्रोथ हुई है एज एन अफोर्डेबल होस्टिंग ऑप्शन, बट लेट्स सी इफ इट इज स्टिल अ गुड ऑप्शन इन 2023 फॉर अफोर्डेबल होस्टिंग। टेस्टिंग पैरामीटर्स के बारे में बात करूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे प्लान है होस्टिंगर से। आज जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो रहेंगे बिजनेस वेब होस्टिंग। ये वाला प्लान है मेरे पास। यहाँ पर मैंने इसके 2 प्लान्स लेके रखे हैं, एक इंडिया के सर्वर पर है, एक US के सर्वर पर है, और एक और प्लान है वो सिंगापुर के सर्वर पर है। एंड आई ऑल्सो हैव वन क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग का जो इनका स्टार्टअप वाला प्लान है वो भी है मेरे पास, बट इस रिव्यू को सिंपल रखने के लिए हम लोग सिर्फ 2 प्लान्स के बारे में बात करेंगे बिजनेस वेब होस्टिंग के, इंडिया वाले सर्वर और US के सर्वर। ये रही मेरी 2 डेमो वेबसाइट्स, ये इंडिया के सर्वर के ऊपर है एंड ये वाली वेबसाइट US के सर्वर के ऊपर है, और दोनों में सेम टेम्पलेट सेम थीम का यूज़ किया गया है। ओशन WP थीम है, जिम टेम्पलेट का यूज़ किया है जो कि एलिमेंट और बेस्ड है। कैशे के लिए लाइट स्पीड कैशे प्लगइन है एट देयर डिफॉल्ट सेटिंग्स। यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करें तो जैसे ही लॉगिन करेंगे हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी आपके प्लान से वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं ये वाला जो प्लान है ये इंडिया के सर्वर पर है मेरा, तो हम लोग इसको मैनेज कर लेते हैं। जैसे ही मैनेज पे क्लिक करूँगा कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मेरे सामने आ जाएगा। यूज़र इंटरफेस इसका काफ़ी इजी टू यूज़ है, जस्ट सर्च वॉट एवर यू वॉन्ट, वर्डप्रेस चाहिए तो वर्डप्रेस आ जाएगा, एंड ईमेल चाहिए यू कैन सर्च फॉर ईमेल्स। तो काफ़ी इजी इंटरफेस है इनका। इसी डैशबोर्ड से पूरे होस्टिंग का आपका मैनेजमेंट हो जाएगा। डेटा सेंटर्स की बात करें तो इनके शेयर्ड होस्टिंग प्लान के ऊपर आपको ऑलमोस्ट ऑल ओवर द ग्लोब यहाँ पे डेटा सेंटर्स मिल जाएंगे। यूरोप में 3 है, नीदरलैंड, लिथुनिया, UK, एशिया में सिंगापुर और इंडिया भी है। इंडिया का जो डेटा सेंटर है उसको फेब 2022 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अभी काफ़ी नया है इंडिया का डेटा सेंटर। एंड देन वी हैव नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी। सर्वर रिस्पॉन्स टाइम के बारे में बात करी जाए तो मुंबई में मुझे 2 ms मिला है, सिडनी 150 ms, जापान 127 ms। सर्वर रिस्पॉन्स टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड्स की बात करी जाए, जब मैंने इंडियन सर्वर्स पे इसके स्पीड टेस्ट करे, ये मेरी इंडिया सर्वर की वेबसाइट है, तो मुझे बैंगलोर से यहाँ पे स्पीड मिली है 1.31 सेकेंड की। अच्छी है, नॉट द बेस्ट, लेकिन स्टिल इट्स डिसेंट, अच्छी स्पीड्स मुझे मिली है। देन GT मैट्रिक्स से भी मैंने इसको टेस्ट किया, अराउंड सेम परफॉर्मेंस मुझे मिली है 1.3 की। फुल्ली लोडेड टाइम यहाँ पे मुझे 1.6 सेकंड बता रहा है, एंड टाइम टू फर्स्ट बाइट वॉज 40 ms। देन कमिंग ऑन टू US सर्वर, जब मैंने US सर्वर पे टेस्ट किया, ये मेरी US सर्वर की वेबसाइट है, जब मैंने न्यूयॉर्क से इसको टेस्ट किया तो मेरी जो स्पीड थी वो थी 700 ms की, अंडर 1 सेकंड। दैट्स एक्सेप्शनली मीन्स अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पे स्पीड्स मुझे देखने को मिली है ऑन US सर्वर्स। मैंने इसको GT मैट्रिक्स से रन किया, TTFB इसका यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, बट फुल्ली लोडेड टाइम इज स्टिल अंडर 1 सेकेंड, दैट्स एक्सेप्शनली गुड। अपटाइम के बारे में बात करूँ तो उसका जो लेटेस्ट अपटाइम डेटा है वो आपको हमारी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जिसमें हर महीने आपको लेटेस्ट अपडेटेड अपटाइम डेटाज मिल जाएंगे। इंडिया के सर्वर के बारे में बात करी जाए तो लास्ट मंथ मेरा अच्छा अपटाइम था, अगस्त में भी अच्छा था, जुलाई में भी अच्छा था, लेकिन जून में काफ़ी कम हो गया था, एंड मार्च भी मेरा थोड़ा डाउन था, मई भी थोड़ा डाउन था। ओवरऑल जो मुझे इसका अपटाइम मिला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लास्ट के 1-2 महीने में अच्छा हुआ है, 2-3 महीने में मेरे लास्ट के अच्छा अपटाइम था, लेकिन उसके पहले अपटाइम वाज क्वाइट एवरेज। अपटाइम यहाँ पर हर 30 सेकेंड्स में चेक होता है। लास्ट के अगर मैं 6 महीने देखूँ इसके, लास्ट का 6-7 मंथ्स का जो मुझे अपटाइम मिला है वो है 99.79%। आई थिंक यहाँ पर अपटाइम थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है। कमिंग ऑन टू US सर्वर्स, US सर्वर्स के बारे में बात करी जाए तो जो इसका अपटाइम था दैट वॉज अगेन वेरी गुड, एक्सेप्शनली गुड, 99.97, तो जो इसका अपटाइम मिला है वो मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। पिछले 6 महीने के अपटाइम के बारे में बात करूँ तो दैट इज 99.95%, विच इज़ वेरी गुड। एंड सिंगापुर सर्वर्स के भी आपको अपटाइम मिल जाएंगे हमारे ब्लॉग के ऊपर। जो सिंगापुर सर्वर्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन इंडियन सर्वर्स, US सर्वर आर परफॉर्मिंग एक्सीलेंट, इंडियन सर्वर्स की परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ी एवरेज है। लोड टेस्ट की बात करी जाए तो US सर्वर पे परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छे देखने को मिली है। 9000 रिक्वेस्ट करी गई, कोई भी फेलियर नहीं हुआ, पीक रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 टच कर गई थी। यहाँ पे मैंने 50 वर्चुअल यूजर्स को भेजा था फ्रॉम US लोकेशन,
रिस्पॉन्स टाइम पीक था 29 ms का, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हुए. ओवरऑल काफ़ी अच्छी तरीके से एक शेयर्ड होस्टिंग ने ये वाली लोड को हैंडल किया है. आई वॉज सरप्राइज्ड. देन इंडियन सर्वर के बारे में बात करी जाए तो रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे बीच बीच में पीक हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पीक नहीं हुआ है कि 2-3 सेकंड के ऊपर ही चला गया हो. तो बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पे पीक हुआ है, देन वापस आ गया बैक टू नॉर्मल. अराउंड 8000 रिक्वेस्ट करी गई, कोई भी HTTP फेलियर नहीं हुआ है. पीक रिक्वेस्ट 37 तक गई थी. ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस थी दैट वॉज गुड. फ्री डोमेन नेम की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नेम मिल जाएगा, लेकिन जो इनका सिंगल वेब होस्टिंग प्लान है इसमें फ्री डोमेन नेम नहीं है. जो प्रीमियम और बिजनेस प्लान है सिर्फ इसी पे ही आपको फ्री डोमेन नेम देखने को मिलेगा. ये फ्री डोमेन नेम सिर्फ 1 साल तक के लिए ही वैलिड रहता है. टेम्प्रेरी डोमेन नेम के बारे में बात करी जाए तो प्रीव्यू URL आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ 120 आवर्स तक ही रहेगा. बैकअप्स की बात करी जाए तो सिंगल में आपको कोई बैकअप नहीं मिलेगा, प्रीमियम में वीकली मिलेगा, बिजनेस में डेली बैकअप मिलेगा. तो मेरे पास यहाँ पे डेली बैकअप के ऑप्शंस है. बैकअप पैनल कुछ इस तरह का दिखेगा. फाइल्स के बैकअप को रिस्टोर किया जा सकता है, डेटाबेस को रिस्टोर कर सकते हो. लास्ट 30 डेज का यहाँ पे बैकअप रहता है. फॉर एग्जांपल मुझे करना है 23rd का, तो यहाँ पर मैं 23rd कर लूँगा. फाइल मैंने सिलेक्ट करके रखा है, आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप. और इसमें एक खास बात यह है कि मैं सिलेक्टिवली भी रिस्टोर कर सकता हूँ. मतलब मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं पूरी फाइल्स को रिस्टोर करूँ, मैं यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर लूँगा कि मुझे कौन कौन सी फाइल्स को रिस्टोर करना है. फॉर एग्जांपल इसमें पब्लिक HTML, और मुझे कहना है कि मुझे सिर्फ लॉगिन को रिस्टोर करना है एंड सिर्फ HTAccess को, दैट्स इट. बाकी कुछ मुझे रिस्टोर नहीं करना है. आई विल क्लिक ऑन रिस्टोर फाइल्स. यहाँ फिर मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ. मैनुअल बैकअप भी यहाँ से लिया जा सकता है. रिस्टोर एवरीथिंग का ऑप्शन एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है. नाउ कमिंग ऑन टू द सपोर्ट, यहाँ पर लाइव चैट के ऑप्शंस हैं. मेरे केस में लाइव चैट के मुझे रिप्लाइज जल्दी आ गए थे, मतलब लाइव चैट मेरी जल्दी इनिशिएट हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो मेरी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा था उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था. देवर नॉलेजेबल, लेकिन सपोर्ट थोड़ा स्लो है. ओवरऑल कंपेयर टू लास्ट ईयर सपोर्ट की स्पीड काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पे थोड़ा स्लो लग रहा है. रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर रिप्लाइज, मतलब मुझे थोड़ा 2-3 मिनट के लैग के बाद मुझे यहाँ पे रिप्लाइज आ रहे थे, तो शायद से उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है. कमिंग ऑन टू नॉलेज बेस, दिस इज़ रियली गुड. बहुत सारी प्रॉब्लम्स के यहाँ पर आंसर्स ऑलरेडी दे के रखे हैं, काफ़ी डीप नॉलेज बेस है यहाँ का. ओवरऑल सपोर्ट के मामले में इट इज़ गुड एंड गेटिंग बेटर. नाउ बिफोर आई गो ऑन टू प्राइसिंग, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मुझे होस्टिंगर ने इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है. जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन से, बट अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेस करोगे तो आई विल गेट अ कमीशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू. तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेस कर सकते हो, और उससे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलेगा, एंड यू विल गेट फ्री एंट्री इनटू माय ट्रेनिंग प्रोग्राम एज वेल. प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो आप लोगों को जाना है मेरे नीचे दिए लिंक पे go.kripeshadvani.com/hostinger. के बाद होस्टिंग पे जाके यू विल हैव टू गो टू वेब होस्टिंग. यहाँ पर आपको 3 प्लान्स दिख जाएंगे. सिंगल प्रीमियम वेब होस्टिंग, सिंगल 69 per month, 149 per month. ये वाली प्राइसिंग तब है जब आप लोग इसको 4 साल के लिए लेते हो. तो फॉर एग्जांपल लेट्स गो विद बिजनेस वेब होस्टिंग, ऐड टू कार्ट. तो ये प्राइसिंग आपको 4 साल के लिए मिलेगी. जो इनकी 2 ईयर प्राइसिंग है वो भी अच्छी है, तो यू कैन गो विद दिस ऑप्शन एज वेल. पेमेंट ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो क्रेडिट कार्ड है, UPI है, PayTM है, नेट बैंकिंग है, PayPal, गूगल पे, इनफैक्ट बिटकॉइन से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो. तो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर सारे हैं. इंडियन यूजर्स के लिए UPI भी है, विच आई रिकमेंड. और GST इनवॉइस अगर आपको चाहिए तो GST इनवॉइस के लिए यू विल नीड टू मेल देयर कस्टमर सपोर्ट, या फिर उनको चैट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा एंड दे विल हेल्प यू विद द GST इनवॉइस. डिस्काउंट कूपन कोड के बारे में बात करूँ तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मेरे कूपन कोड से मिल जाएगा. यहाँ पर आना है, हैव अ कूपन कोड, यहाँ पर आपको एंटर कर देना है कृपेश, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी अवेलेबल होगा. ये रेगुलरली अपडेट होता रहता है, तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको मिल जाएगा इस कूपन कोड. बेस्ट प्लान के बारे में बात करूँ तो शेयर्ड होस्टिंग में हमारे पास 3 ऑप्शंस है. सिंगल वाला तभी लेना इफ़ यू हैव HTML वेबसाइट्स, यहाँ पर PHP स्क्रिप्ट. अगर वर्डप्रेस है तो उसके लिए सिंगल वाले पे मत जाना. वो इसलिए क्योंकि जो इसमें रैम है वो सिर्फ 768 MB है. प्रीमियम में 1 GB है, बिजनेस में 1.5 GB है. तो आप लोग प्रीमियम या फिर बिजनेस प्लान के लिए जाना इफ़ यू वांट टू हैव अ वर्डप्रेस वेबसाइट. इसमें आपको फ्री डोमेन नेम भी मिल जाएगा, एंड बिजनेस प्लान इज द बेस्ट क्योंकि यहाँ पे डेली बैकअप्स के ऑप्शन भी हैं. रिफंड पॉलिसी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 30 डे की रिफंड पॉलिसी है. इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर. नाउ कमिंग ऑन टू ट्रेनिंग प्रोग्राम, यहाँ पर मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है होस्टिंगर का, जहाँ पे मैंने बताया कि होस्टिंगर को कैसे यूज़ करना है, कैसे सेटअप करना है, वर्डप्रेस कैसे सेटअप करनी है, कैशे प्लगइन को कैसे यूज़ करना है, कैसे बेस्ट कैशे प्लगइन की जो सेटिंग्स रहेगी होस्टिंगर के ऊपर जिसमें आपको सबसे अच्छी स्पीड मिलेगी उसका कैसे यूज़ करना है, होस्टिंगर का जो खुद का कैशे मैनेजर है, ईमेल्स वगैरह कैसे सेटअप करने हैं, बेसिक सपोर्ट से कैसे कांटेक्ट करना है, एंड कुछ एडवांस चीज़ें भी है जैसे कि FTP वगैरह. वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है कि होस्टिंगर को बेसिकली आप लोग कैसे अच्छे से यहाँ पर यूज़ कर सकते हो.
अब इसको लेना कैसे है, इसको लेना सिंपल है, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेज करना है। कैसे परचेज करना है वो सब मैंने इसके फ्री प्रीव्यू लेसन्स में एक्सप्लेन करके रखा है। आके यहाँ पे साइन अप कर लेना एंड यू कैन वॉच दीज वीडियोज फॉर फ्री। और ये वाला वीडियो देख लेना जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे परचेज करना है, एंड देन यू हैव टू सबमिट द रिसीट टू मी, एंड विद इन 7 working days आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक्सेस मिल जाएगा। और मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को रेगुलरली अपडेट भी करता हूँ, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज माई लिंक टू परचेज एंड गेट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फ्री। नाउ कमिंग ऑन टू माइग्रेशन यहाँ पे फ्री है, अनलिमिटेड फ्री है, कोई लिमिट नहीं है एज सच। देन होस्टिंगर के ऊपर आपको स्टेजिंग फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है, मतलब यहाँ पर मैं एक टेस्ट वेबसाइट बना सकता हूँ जिसमें जो मेरी लाइव वेबसाइट है उसकी कॉपी बन जाएगी, एंड देन इस कॉपी के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, एंड देन जो भी मेरे चेंजेस है वो एक कॉपी के ऊपर होंगे, और जब मैं उस कॉपी से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा जो भी मैंने चेंजेस किए तब मैं उसको लाइव वेबसाइट पे पुश कर सकता हूँ। वो स्टेजिंग की फंक्शनैलिटी रहती है एंड यू विल गेट दिस फीचर ऑन होस्टिंग जो कि काफ़ी अच्छे और ईजिली काम करता है। सिक्योरिटी के बारे में बात करूँ तो अनलिमिटेड SSL सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाते हैं। क्लाउड फ्लेयर DNS नेम सर्वर्स का यूज़ किया गया है तो DDoS प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट कर लेता है। 2-factor ऑथेंटिकेशन है, मैलवेयर स्कैनर मिल जाता है, रिसेंटली पैच टैग के साथ में कोलैबोरेशन भी हुआ था, तो होस्टिंगर में सिक्योरिटी ऑप्शंस अच्छे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एडिशनल फीचर्स। इनोड काउंट यहाँ पर आपको 2 lakh से स्टार्ट होता है, 6 lakh तक जाता है, विच इज गुड। देन वी हैव अकाउंट शेयरिंग एज वेल, इफ यू वॉन्ट टू शेयर यूर होस्टिंग विद समवन एल्स या फिर डेवलपर के साथ शेयर करना है तो यू कैन ईजिली डू दैट फ्रॉम हियर। और इसमें एक और खास बात है कि यू कैन जस्ट पिक सम स्पेसिफिक सर्विसेज, जैसे पूरा होस्टिंग अकाउंट का नहीं देना, सिर्फ एक स्पेसिफिक वेबसाइट चूज कर सकते हो, एक स्पेसिफिक सर्विस चूज कर सकते हो, एक स्पेसिफिक होस्टिंग प्लान चूज कर सकते हो, तो दैट इज रियली गुड। देन वी हैव ईमेल्स, ईमेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे 100 accounts आप लोग क्रिएट कर सकते हो एक होस्टिंग के अकाउंट के ऊपर, एंड 1 GB पर अकाउंट की यहाँ पे स्टोरेज है। कुछ लिमिट्स के बारे में बात करी जाए तो यू कैन सेंड अराउंड 500 emails पर डे। टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो लाइट स्पीड सर्वर्स है, PHP 8.1 का सपोर्ट है, डिफरेंट CMS के ऑप्शंस अवेलेबल है, वर्डप्रेस, जूमला सब अवेलेबल है यहाँ पर। Node.js और Python का एट प्रेजेंट सपोर्ट नहीं है इनके शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स के ऊपर। साइट बिल्डर के बारे में बात करूँ तो होस्टिंगर का खुद का साइट बिल्डर नहीं है इनके शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स के अंदर, लेकिन उनका खुद का एक सेपरेट साइट बिल्डर है जो कि जायरो के नाम से आता है, उसका मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन साइट बिल्डर तो डायरेक्टली जायरो ही लो, होस्टिंगर से होस्टिंग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ बिफोर आई जंप ऑन टू प्रोज एंड कॉन्स, अगर अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। कुछ प्रोज के बारे में बात करें तो यूजर इंटरफेस का काफी अच्छा है, स्पीड्स बहुत अच्छी देखने को मिली है, अफोर्डेबल है, US सर्वर की जो परफॉर्मेंस थी दैट वॉज एक्सीलेंट, अनलिमिटेड फ्री माइग्रेशन है, स्टेजिंग की फंक्शनैलिटी है, सिक्योरिटी काफी अच्छी है, UPI पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है इंडियंस के लिए, बैकअप ऑप्शन अच्छे हैं, फ्री में डोमेन नेम मिल जाता है, और जो मेरा होस्टिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी आपको फ्री में मिल जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू सम ऑफ द कॉन्स, जो इसकी परफॉर्मेंस है इंडिया के डेटा सेंटर में दैट वाज एवरेज। सेकंड जो इसका सपोर्ट है दैट कैन बी स्लो एट टाइम्स। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई थिंक होस्टिंगर इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल ऑप्शंस फॉर बिगनर्स इन 2023। अगर आपकी ऑडियंस आ रही है US से तो आंखें बंद करके इनका US सर्वर ले लो, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, मतलब जो मैं क्लाउड में जो परफॉर्मेंस देख रहा हूँ वो इनके US सर्वर में शेयर्ड होस्टिंग में मुझे परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तो जो इनका US सर्वर है दैट इज एक्सीलेंट। अगर आपकी इंडिया से ऑडियंस आ रही है तो जो इनका इंडिया का सर्वर है उसका अपटाइम मुझे इतना अच्छा नहीं मिला है, तो एट प्रेजेंट मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन यू कैन गो विद देयर सिंगापुर सर्वर, उसका अपटाइम अच्छा है, एंड अपटाइम को मैं रेगुलरली अपडेट भी करते रहूंगा अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, तो अगर मेरी रिकमेंडेशन में कुछ चेंजेस होंगे तो वो आपको हमारे डिटेल्ड ब्लॉग में मिल जाएंगे। सो इफ यू आर अ बिगनर हु नीड्स अ रिलायबल शेयर्ड होस्टिंग ऑप्शन एट अफोर्डेबल प्राइसेस जो इजी भी हो यूज करने के लिए, तो होस्टिंगर एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा फॉर 2023। मैंने खुद ने यहाँ पर अपनी बहुत सारी माइक्रो नीश ब्लॉग्स को होस्टिंगर पर ही होस्ट करके रखा है, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, तो इसमें 8 websites है, इसमें 9 है, इसमें 5 websites है, तो बहुत सारे ब्लॉग्स मेरे होस्टिंगर पर ही हैं। नाउ इफ यू कैन इंक्रीज द बजट तो क्लाउडवेज, केमी क्लाउड और फास्ट कॉमेंट भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। सो दैट इज इट फॉर दिस वन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।